गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज क्लाइमेट। सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट वेदर। व्हाट इज वेदर? वेदर इज डे टू डे चेंजेस। सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है? सो क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशन ऑफ अ लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट है एक वेदर कंडीशन का लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए, लंबे पीरियड के लिए चेंज होना। फॉर एग्जांपल, ये अभी कौन सा सीजन चल रहा है? अभी हमारा जो है समर सीजन और मिडिल एंड रेनी सीजन। तो अब ये जो है, ये कौन सा चेंज हुआ, ये वेदर चेंज हुआ कि क्लाइमेट? ये है हमारा क्लाइमेटिक चेंज। क्यों? क्योंकि जो हमारा समर सीजन है वो कितने मंथ्स के लिए होता है? 2 या 3 मंथ्स के लिए। इट मीन्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब रेनी सीजन है वो जून से स्टार्ट हुआ, देन जून से अब कब तक चलेगा, वो भी लॉन्ग पीरियड के लिए 2 या 3 मंथ्स। इट मीन्स अप्रॉक्स सेप्टेम्बर तक। तो ये क्या है हमारा क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट। सो द वेदर कंडीशन ऑफ ए लार्ज एरिया, कि किसी भी एरिया में लॉन्ग टाइम के लिए वेदर का चेंज होना, इट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। सो किसी भी प्लेस का क्लाइमेट अलग अलग होता है। किसी का ड्राई क्लाइमेट होता है, किसी का कूल क्लाइमेट होता है, किसी का कोल्ड क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट। तो कैसे? अ प्लेस दैट गेट्स लिटिल और नो रेनफॉल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, की कोई भी प्लेस अगर बहुत लंबे टाइम के लिए वहाँ अगर रेनफॉल नहीं होती है या फिर बहुत कम रेनफॉल होती है, लिटिल रेनफॉल होती है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? ड्राई क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल हमारा राजस्थान, राजस्थान में जैसलमेर सबसे ज़्यादा ड्राई है। वहाँ क्या है, रेगिस्तान भी है, तो वहाँ सबसे कम बारिश होती है या बारिश होती ही नहीं है। तो एग्जाम्पल ड्राई क्लाइमेट के लिए हम क्या बोलेंगे? जैसलमेर इन राजस्थान। सो नेक्स्ट, कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट अ प्लेस दैट स्टे कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर विल हैव कोल्ड क्लाइमेट, कि जो प्लेस बहुत लंबे टाइम के लिए क्या रहेगा, जहाँ बहुत लंबे टाइम के लिए कोल्ड रहेगी, ठंड रहेगी, वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये सब हमारे एग्जांपल हैं कोल्ड क्लाइमेट के। सो अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम एग्जांपल लेते हैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु में कैसा क्लाइमेट होता है? वहाँ पूरे साल भर के लिए हॉट एंड ह्यूमिडिटी रहती है। हॉट एंड ह्यूमिडिटी रहती है, इट मीन्स वहाँ हमेशा पूरे साल भर के लिए गर्मी रहती है, चिपचिपापन रहता है, सन बहुत ज़्यादा शाइन करता है तमिलनाडु में। इसी के कारण तमिलनाडु के जो लोग हैं वो पूरे ईयर कॉटन क्लोथ पहनना पसंद करते हैं, कॉटन क्लोथ पहनते हैं। वहाँ विंटर बिल्कुल भी नहीं होती है, विंटर में तो बल्कि वहाँ क्या होती है, रेनफॉल होती है, बारिश होती है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं मेघालय का। मेघालय में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है पूरे साल भर। तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो होता है मॉडरेट। मॉडरेट मीन्स नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। तो वहाँ के लोग अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, नॉर्मल अगर रूफ, नॉर्मल छत रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, उनके हाउस जो हैं वो गिर जाएंगे, टूट जाएंगे। इसी कारण वो स्लैंटेड रूफ, स्लोप्स बनवाते हैं अपने रूफ। उनकी कैसी होती है? स्लैंटेड होती है। इट मींस बारिश अगर आ रही है तो वो ऐसे कैसे रुके ना एक जगह और नीचे की ओर बह जाए पानी वहाँ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम राजस्थान का। राजस्थान का क्लाइमेट कैसा होता है? ड्राई क्लाइमेट होता है। ड्राई मतलब सूखा, और वहाँ बहुत ज़्यादा क्या होती है, बारिश नहीं होती है, लिटिल रेनफॉल होती है। इस कारण वहाँ के लोग क्या चाहते हैं कि जो भी रेनफॉल हो उसका पानी उनके यहाँ कलेक्ट हो जाए, वाटर हार्वेस्टिंग करना पसंद करते हैं, रेन हार्वेस्टिंग। तो उसके लिए वो छत कैसी बनवाते हैं? वो छत बनवाते हैं फ्लैट, तो वो जो पानी है वो कहाँ इकट्ठा हो जाए छत पे और वो आगे के लिए उनके लिए काम आ सके। तो वहाँ की रूफ्स हो गई फ्लैट रूफ्स। इन नेक्स्ट, डिफरेंस क्या है वेदर और क्लाइमेट में? हमने पढ़ तो लिया कि वेदर क्या है, डे टू डे चेंज, क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग पीरियड ऑफ चेंज। सो डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डेली। किसी भी प्लेस का वेदर क्या होता है, डेली चेंज होता है, आर टू आर, घंटे से घंटे में चेंज होता है। बट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस मे नॉट चेंज फॉर सेवरल ईयर, लेकिन किसी भी प्लेस का क्लाइमेट वो एक लंबे टाइम तक चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल रेनी सीजन, सीजन्स इसके एग्जांपल हैं।
रेनफॉल अगर लंबे टाइम के लिए वो क्लाइमेटिक कंडीशन है, हॉट अगर समर बहुत लंबे टाइम के लिए वो एक क्लाइमेटिक कंडीशन है, अगर किसी भी प्लेस में कोल्ड लंबे टाइम के लिए वो भी एक क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो क्लाइमेट है, नो चेंज फॉर सेवरल ईयर. सो लर्निंग टिप आपके लिए आज के लिए ये है कि वेदर ऑफ ए प्लेस कैसे पता हो और क्लाइमेट कैसे पता हो. तो अगर आपके यहाँ सन बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, इट मीन्स वो कैसा वेदर है, सनी वेदर. क्लाउड्स अगर आ गए हैं अचानक से तो वो आपके लिए क्या हो गया, आप क्या मानेंगे कि क्या कौन सा वेदर हो गया, क्लाउडी. अगर विंड अचानक से चलना शुरू हो गई है तो आप समझेंगे कौन सा वेदर हो गया अचानक से चेंज, विंडी वेदर. और अचानक से बारिश हो गई कि पहले सनशाइन था, धूप आ रही थी और देन अचानक से बारिश हुई, तो कौन सा वेदर हुआ, रेनी वेदर. लर्निंग टिप आपके लिए वेदर की ये है. देन नेक्स्ट लर्निंग टिप ऑफ क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल मॉनसून. अब आप कैसे समझेंगे, ट्रॉपिकल मतलब होता है हॉट एंड ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होना. रेनफॉल क्या है, बहुत ज़्यादा कि वहाँ पे पूरे साल भर कैसा होना, ह्यूमिडिटी रहना. मॉडरेट, मॉडरेट मतलब होता है नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. फॉर एग्जाम्पल के लिए मेघालय हो गया. एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब टू हॉट टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा गर्मी, यानी बहुत गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी. और ये हमारा एग्जाम्पल एक्सट्रीम क्लाइमेट कहाँ का है. एग्जाम्पल ले लें अगर हम राजस्थान का ले लें, और अगर सिटी का एग्जाम्पल लेना है तो दिल्ली. आपने पढ़ा होगा पहले भी, मैंने बताया था आपको पहले की क्लासेस में भी कि द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज एक्सट्रीम एंड द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज मॉडरेट. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे.